सो हेलो भाई, आज आपको बताएंगे कि ट्रक से गाड़ियों की अनलोडिंग कैसे होती है और ये ट्रक मतलब कहाँ से आते हैं और सीधा प्लांट से आते हैं या कहीं और से आते हैं, इसकी आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये ट्रक आया हुआ है, अभी काफ़ी बड़ा ट्रक है, ट्रंक बोल सकते हैं आप। और इसका आप डीजल का टैंक देखिए खाली कितना बड़ा है। और ये भाई ट्रक कहाँ से आए भैया आप? गुड़गांव से। और ये गाड़ियाँ मतलब कहाँ से आई है? गुड़गांव से। और ट्रक कहाँ का है? ट्रक भी गुड़गांव का है। ट्रक की पासिंग तो नागालैंड है। नागालैंड है पासिंग नागालैंड है। तो ये गाड़ियाँ जो आ रही है सीधा प्लांट से बन के आ रही है? प्लांट से आ रही है। सो भाई, अभी भाई ने बताया कि क्या है, आप पासिंग देख लीजिए, नागालैंड का ट्रक है और इस टाइप का कुछ यहाँ पे ट्रक आता है। काफ़ी बड़ा ट्रक है और ह्यूज ट्रक आप इसको बोल सकते हैं। और जो ये खुलता है, ये इधर साइड से कहीं से हाइड्रोलिक से भी भाई खोलेंगे तो उससे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये किस टाइप से खुलता है। सो ये है भाई इसकी कुछ रियर लुक। और भाई ये वाला ट्रंक अभी खुलेगा, सो कंटिन्यू करते हैं जब ये ट्रंक खुलेगा। तो यहाँ पे गाड़ियों की ओपनिंग हो रही है, ये गाड़ियाँ लॉक होके आती हैं, इनके टायर जो रहते हैं वो लॉक होते हैं। तो अभी भैया यहाँ पर सभी गाड़ी के टायर्स के लॉक खोलेंगे और उसके बाद गाड़ियों को अनलोड करेंगे। ट्रंक में टोटल चार गाड़ियाँ है, जिसमें दो अल्टो है और इको भी है और शायद सामने भी एक अल्टो है। और इसके जो ऊपर वाला है, ये बेसमेंट है, वहाँ पे आपको इको मिलेगी देखने को। अब और भी आगे होगी पता नहीं, दिख नहीं रही है यहाँ से। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इको है, इसमें इसका जो एक्सेसरीज का सामान होता है वो भी है शायद तक। और अभी भी ये सारी गाड़ियों को लॉक उसका निकाल रहे हैं और इसके बाद गाड़ियों को अनलोड करेंगे। ये सब चाबियाँ कैसे पहचानते हो आप, कौन सी गाड़ी की कौन सी है? लॉक से पता चलता है क्या? और इसका कोई नंबर वंबर नहीं रहता? नंबर भी आता है, ये इसकी है ना। सो अभी भैया इसको अनलोड करेंगे। एक मिनट, ये लॉक नहीं खुला हुआ था, शायद भैया खोलना भूल गए थे। सो ये निकल रही है हमारी ऑल्टो, जो कि शायद 20 मॉडल है। सो इस टाइप से कुछ निकलती है, बिल्कुल प्रॉपरली सीधे निकलती है गाड़ी। और ये गाड़ी यहाँ पे स्टॉक यार्ड में जाएगी जो कि इस साइड है। क्यों भैया, ये गाड़ी मतलब इसमें कुछ डिफेक्ट आया तो आप ये चेक नहीं कर रहे अभी? चेक करेंगे ना, आगे जाके चेक होगी। ओके,
जा चुकी है हमारी ऑल्टो, सो नेक्स्ट भी ऑल्टो ही है जो कि निकल रही है। तो क्या क्या लिख रहे थे आप यहाँ पे अभी गाड़ी का आप क्या क्या लिख रहे थे? चेसिस नंबर यहाँ पे नोट किया जाता है गाड़ी को यार्ड में एंटर करने से पहले। सो ये अभी इको निकल रही है यहाँ पे सिल्वर कलर में जो कि स्लीक सिल्वर है। अभी यहाँ पे एक और ऑल्टो खड़ी हुई है सिल्वर कलर में जो है, ये सबसे मतलब लास्ट होगी बेसमेंट की, बाकी इसके बाद ऊपर की अनलोडिंग देखेंगे हम। और ये एक उधर निकल चुकी है, ये एक जा रही है स्टॉक यार्ड में। ये जो मतलब स्टॉक यार्ड तक गाड़ी पहुँचाने का पूरा प्रोसेस रहता है, ये जो मतलब ये ट्रक ड्राइवर आते हैं उन्हीं के ऊपर होता है मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप स्टॉक यार्ड तक गाड़ी को सेफली पहुँचा देंगे। तो यहाँ पे हमारी ऑल्टो भी निकल रही है। ये जस्ट बिल्कुल लास्ट में थी गाड़ी। पूरा खाली हो चुका है नीचे वाला बेसमेंट। अभी यहाँ पे ऊपर का जो खुल रहा है, जो ऊपर का ये एरिया है वो नीचे आ जाएगा स्लाइड होकर, इससे गाड़ी को प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी। और ये गाड़ियाँ सीधे जा रही है शोरूम में अभी, जो कि स्टॉक यार्ड से निकल के जा रही है। ये गाड़ी का सभी क्वालिटी चेक्स कम्प्लीट हो चुके हैं। अब ब्रेजा निकल रही है लास्ट में, लास्ट गाड़ी है सबसे ऊपर की, तो ये ब्रेजा। काफी केयरफुली निकालना पड़ता है इसे। तो भाई यही था आज का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाके जरूर बताएं, और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू।